हाय एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो सबसे पहले दोस्तों देखो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका एप्लीकेशन क्या है। अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो तो उसका यूज़ क्या है, एप्लीकेशन क्या है, अगर आपको वो पता होगा तो और इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो यूज़ है ना, आप देखते हो ना रात में तारे टिमटिमाते नज़र आते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, आप रात में स्टार्स को काउंट करते हो, तारों को गिनते हो आप, लेकिन आप काउंट नहीं कर पाते हो। जो तारे टिमटिमा रहे हैं, ट्विंकलिंग हो रही है, वो है क्या? तो वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। वो कैसे होता है वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप देखिए, बारिश के मौसम में जब आप जाते हैं तो गड्ढे नज़र आते हैं आपको, आपको लगता है इस गड्ढे की गहराई ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही आपकी साइकिल या आपकी बाइक उस गड्ढे में जाती है तो आपको लगता है कि इसका गहराई कम है। पहले आपको लगता है कि इसकी गहराई ज़्यादा है, ज़्यादा डीप है, बट उतना गहरा रहता नहीं है। आप इमेजिन कुछ और करते हो और होता कुछ और है, ठीक है? तो ये भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का केस है। इसके अलावा रेनबो का फॉर्मेशन, इंद्रधनुष जो बनता है रेनबो बारिश के मौसम में, आपने देखा होगा, तो वो भी किसका है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, रेगिस्तान में, ठीक है, जहाँ रेत ही रेत है, वहाँ आप देखोगे ऐसा लगेगा कि काफ़ी दूर पानी है, गर्मी में काफ़ी दूर के बाद पानी है, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद आपको पानी नज़र नहीं आता। आप नॉर्मली देखेंगे, जब आप रोड पे भी चल रहे रहेंगे तो आपने, आप थोड़ा सा देखोगे कि आपको लगेगा कि यार कुछ दूर वहाँ से, यहाँ से कुछ दूर पे सम डिस्टेंस पे वाटर है, रोड पे बहुत सारा पानी है, बट एक्चुअली वो रहता नहीं है। तो वो सारे केसेस जो है ना फ्रेंड्स, वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के। तो आइए हम देखते हैं कि ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या, ठीक है? तो नाम ही है रिफ्रैक्शन। ये रिफ्रैक्शन क्या है, तो देखिए, अभी रिफ्रैक्शन होने के लिए मैं डायग्राम के जरिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है? अभी ये कोई ग्लास है, ये मैंने कोई ग्लास लिया है, ठीक, और ये ऊपर एयर मीडियम है, ठीक है? एयर, यहां पे क्या है, ग्लास और ऊपर एयर मीडियम, ठीक है? तो एयर मतलब हवा, ठीक है? अभी एयर के जरिए लाइट आ रही है, और मैं क्या कर दूं वहां पे ग्लास, लाइट एयर के थ्रू आ रही है जो नॉर्मली आती है, ठीक है? आपने वहां पे क्या डाल दिया, ग्लास डाल दिया, ठीक है? तो जैसे ही हम उसमें ग्लास डालते हैं फ्रेंड्स, ये रे आई, लाइट की रे आई, ठीक है? जैसे कि हम जानते हैं आने वाली रे को हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। तो ये रे आई आके, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, ग्लास ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, तो ये इसके आर पार हो जाएगी। तो नॉर्मली इसको जाना चाहिए था ऐसे, इस वे में, ठीक है? यहाँ पे ये होता है नॉर्मल, नॉर्मल, ठीक है? एक लाइन ड्रॉ करते हैं हमने, जहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, जहाँ पे वो इंसिडेंट हो रहा है उस पॉइंट पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री का, जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं। तो नॉर्मली इसको जाना चाहिए था ऐसे, ठीक है? लेकिन ये रे इस तरीके से मूव कर जाती है, इसको जाना चाहिए था इस वे में, और लाइट रे क्या हो गई, अपना डायरेक्शन इसने चेंज कर दिया ट्रांसपेरेंट मीडियम में। अभी डायरेक्शन क्यों चेंज किया, तो अभी आप देखो, आप नॉर्मल एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं आपको, आप रोड पे भाग रहे हो, ठीक है? रोड पे आप भाग रहे हो, काफ़ी फास्ट भाग रहे हो, अचानक से रोड पे पानी आ जाए, तो क्या आपकी स्पीड सेम रहेगी? बिल्कुल नहीं, आपकी स्पीड भी सेम नहीं रहेगी, आपका डायरेक्शन भी सेम नहीं रहेगा। आपका डायरेक्शन थोड़ा बहुत चेंज हो गया ही होगा और आपकी स्पीड भी कम हो जाएगी। तो ठीक उसी तरह एयर में, जैसे सन से, जो सूरज से हमारी तरफ जो लाइट आती है अर्थ पे, सन से अर्थ पे जो लाइट आती है, ठीक है, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से आती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीन्स 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 300,000 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कवर करती है एयर में। तो क्या इसी स्पीड से वो ग्लास में भी जाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ग्लास क्या करेगा, उसको रजिस्ट करेगा, उसकी स्पीड को रजिस्ट करेगा। ग्लास एक डेंसर मीडियम है, गाढ़ा है, डेंसर मीडियम है, जबकि एयर एक रेयरर मीडियम है, ठीक है? वो डेंसर नहीं है,
तो हम इस एयर को रेयरर मीडियम बोलते हैं, रेयरर मीडियम, और इसको हम लोग डेंसर मीडियम बोलते हैं, डेंसर मीडियम बोलते हैं। तो हमने क्या देखा कि जब लाइट रे किसी ग्लास से टकरा रही है तो उसने जाके अपना डायरेक्शन चेंज किया, मतलब कोई भी लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज हो रही है, जा रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो क्या हो रही है, ट्रैवल कर रही है, तो क्या हो रही है, अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट चेंजेस दियर डायरेक्शन। क्या बोलेंगे, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एयर से ग्लास में मीडियम चेंज कर रहा है, पहले रेयर मीडियम फिर डेंसर मीडियम, एयर मीडियम से ग्लास मीडियम, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है। दिस फिनोमिनन ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो कैसे डिफाइन करेंगे दोस्तों, वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, When a ray of light travels from one medium to another medium, what? Its direction changes. This phenomenon of light is known as refraction of light. क्या बोलते हैं इसको, refraction, ठीक है। Normally आप हवा में कोई भी रोशनी वगैरह दिखाओ, टॉर्च वगैरह, आप मान लीजिए कि एयर में आप टॉर्च जला रहे हो, ठीक है, टॉर्च, तो वो स्पीड ग्लास में भी वो स्पीड से नहीं ट्रैवल करेगा और वो डायरेक्शन चेंज कर लेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो अभी इसी को डायग्राम को अगर मैं और आगे कंटिन्यू करता हूँ तो देखिए, ये जो हमारी रे है ये यहाँ आई, ठीक है, फिर अभी डेंसर मीडियम में अभी जाएगी वापस एयर मीडियम में, रेयर मीडियम में, मतलब ग्लास से वापस, यहाँ भी वापस एयर है, ग्लास से वापस एयर, तो इसको जाना चाहिए था इस तरीके से, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, नॉर्मल। तो बताओ ये कैसे जाएगा, अब इसका डायरेक्शन, इसका बेटा यहाँ पे भी चेंज होगा लेकिन इसका डायरेक्शन इस साइड होगा, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो ये डायरेक्शन चेंज कर लिया, तो जरूरी नहीं कि एयर से ग्लास में ही जाए, कोई भी मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब भी लाइट ट्रैवल करती है तो वो अपना डायरेक्शन चेंज करती है, वो अपना डायरेक्शन चेंज करती है, ठीक है। आप उसका कुछ भी नाम दे सकते हो, मान लीजिए मैंने स्लैब का नाम लिया PQRS, ये कोई ग्लास स्लैब है, ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये मान लीजिए ओ पॉइंट है, ये बी पॉइंट, ठीक है, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो बेटा इस एंगल को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, इस एंगल को बोलते हैं इंसिडेंट एंगल या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्ट हुआ यहाँ पे, और इस एंगल को बोलते हैं I1 से डिनोट कर दो आप, I1 मतलब दूसरा इंसिडेंट पॉइंट हुआ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल बना है इस एंगल को हम लोग E से डिनोट करते हैं, ये दूसरा रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे, E से डिनोट करते हैं, E स्टैंड फॉर इमर्जेंट एंगल, ठीक है। तो अभी ये ग्लास स्लैब का डायग्राम है, अभी देखो मैं आपको इसको और भी और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये हमारा ग्लास स्लैब है, ओके, ये हमारा ग्लास स्लैब है, और यहां से आ रही है रे, लाइट की रे इंसिडेंट, ये नॉर्मल है, ठीक है, मान लीजिए ये ए है, ये पॉइंट ओ है, ठीक है, इसको इस तरीके से ट्रैवल करना चाहिए, ठीक है, इस वे में ट्रैवल करना चाहिए, लेकिन होता क्या है यहाँ पे ये डायरेक्शन चेंज कर लेती है। तो डायरेक्शन जो चेंज कर रही है, आप यहाँ पे देखिए जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है यहाँ पे ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल के करीब जा रहा है टुवर्ड्स द नॉर्मल। लेकिन अगर मैं दूसरा केस लूँ, दूसरा डायग्राम बना के वो केस लेते हैं हम, ये ग्लास स्लैब है, ठीक है, ग्लास स्लैब है ये,
और मान लीजिए यहाँ से कोई रे है, ठीक है, इस तरीके से ये रे इंसिडेंट हुई थी, जो मान लीजिए कि ये रे यहाँ आई, ठीक है, यहाँ, अब यहाँ से आई, ये पार्ट से मैं बना रहा हूँ, ठीक है, लेकिन डायग्राम दूसरा ले रहा हूँ, तो इसको जाना चाहिए था नेचुरली ऐसे, ठीक है, इस तरीके से इसको यहाँ से जाना चाहिए था नेचुरली, यहाँ होगा नॉर्मल, बट फ्रेंड्स इन दिस केस आप देखो यहाँ पे, इस वाले केस में ये नॉर्मल के करीब जा रहा था और इस वाले केस में नॉर्मल से दूर भाग रहा है, नॉर्मल से दूर भाग रहा है, तो दो केसेस हैं। ग्लास स्लैब का अगर डायग्राम पूछा जाए तो हम दोनों स्लैब दोनों डायग्राम बना के वहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है, ये 2 to 3 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो पूछते हैं कि ड्रॉ द डायग्राम थ्रू ग्लास स्लैब, ठीक है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब, तो हम अब डिफाइन कैसे करेंगे, व्हेन अ लाइट और व्हेन अ रे ऑफ लाइट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, रेयरर टू मीडियम टू डेंसर मीडियम, मतलब एयर से ग्लास में ट्रेवल करेगा, एयर से ग्लास में ट्रेवल करेगा, देन द रिफ्रैक्टेड रे जो रे रिफ्रैक्ट हो चुकी है, ठीक है, इस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे, और ये जो रे होगी उसको रिफ्रैक्टेड रे, जो रिफ्रैक्ट हो रही है, तो रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, किधर वेंट होगी, वो नॉर्मल के पास वेंट होगी, और दूसरा केस क्या बोलेंगे, दूसरा केस when a ray of light travels from denser to rarer, मतलब ग्लास से एयर, denser medium to rarer medium, denser medium to rarer medium, then the refracted ray bends away from the normal, तो कितने केसेस हो गए मेरे पास, दो केसेस होंगे, मैं वापस बेटा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है बच्चों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन इट चेंजेस देयर डायरेक्शन, इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, ठीक है, और रिफ्रैक्टेड रे चेंजेस द डायरेक्शन, दिस फिनोमिनन ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और हमने देखा कि अगर वो रेयरर से डेंसर में जाएगी, मतलब हवा में थी पहले, एयर में थी, एयर से ग्लास में जाएगी, तो क्या होगा उसका डायरेक्शन नॉर्मल की तरफ होगा, लेकिन अगर डेंसर से रेयरर आएगा तो नॉर्मल से दूर होगा, ठीक है, तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, देन द रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, देन द रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, ये दो केसेस हो गए, तो बेटा हम इनको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, अभी यहां पे वापस बेटा ये वाला एंगल जो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इस वाले केस में, ठीक है, ये रिफ्रैक्टेड रे ही है, लेकिन इस पॉइंट के लिए ये क्या है, दूसरा इंसिडेंट पॉइंट है, तो हम I1 से इंडिकेट करते हैं इसको, I1, ठीक है, I1 एंगल ऑफ इंसिडेंस, दूसरा जो है सेकंड इंसिडेंट जो हो रहा है, और इसको हम E से डिनोट करते हैं, मतलब सेकंड टाइम जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, इमर्जेंट एंगल्स बोलते हैं इसको, ठीक है, तो ये डायग्राम बहुत ईजी है। अब हम बात करते हैं दोस्तों लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, मैं इसको रेज कर दे रहा हूं, लॉज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लॉज क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लॉज क्या है, देखिए अगर हम लॉज की बात करें ना बच्चों, तो यहाँ पे लॉ जो है वो दो लॉ है, ठीक है, कौन कौन से हैं तो देखते हैं, तो देखिए डायग्राम से फर्स्ट हम बोलेंगे इंसिडेंट रे ये रे रिफ्रैक्टेड रे जो रिफ्रैक्ट हो गई है, रिफ्रैक्टेड रे एंड normal light
इन द सेम प्लेन, लाई इन द सेम प्लेन. इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन. ठीक है, पहला लॉ हो गया ये, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन. बिल्कुल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो पहला लॉ था बिल्कुल वैसा ही है. ठीक है, सेकेंड लॉ, साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड दैट कॉन्स्टेंट इज डिवाइडेड बाई म्यू. इस साइन को बेटा हम पढ़ते हैं म्यू, एम वाई यू, म्यू. ठीक है, ये म्यू, इसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं. स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, स्नेल का लॉ, स्नेल्स लॉ. तो दूसरा क्या है बेटा, अगर जो आई की वैल्यू है और आर की वैल्यू है, हम साइन के साथ वैल्यू अगर साइन लगाएंगे, मान लीजिए आई की वैल्यू है 30, तो साइन 30, आर की वैल्यू मान लीजिए 45 एग्जांपल, तो साइन आर, साइन 45. और आपने मैथ्स में पढ़ा रहे ट्रिग्नोमेट्री में, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2. वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी हमको, कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी. उस कांस्टेंट को म्यू से डिनोट किया उन्होंने, और ये जो बताया था साइंटिस्ट थे स्नेल, इसलिए नाम ही है इसका स्नेल्स लॉ. टोटल कितने लॉज हो गए, दो लॉज हो गए. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन. एंड सेकेंड लॉ, रेशियो ऑफ साइन ऑफ आई टू द साइन ऑफ आर इज इक्वल टू द कॉन्स्टेंट दैट इज म्यू, विच इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ. इट्स क्लियर? तो ये बात थी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की. ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स.